वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। एक दुकान के विवाद में मेरठ का मेडिकल थाना शुक्रवार की दोपहर अखाड़ा बन गया। पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच खूब नोकझोंक भी हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ही एक बैनर थाने की दीवार पर इस आशय का टांग दिया कि भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। इस बैनर के लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में सीओ सिविल लाइन ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह हंगामे पर काबू पाया। दरअसल इंचौली थाना क्षेत्र के मसूरी निवासी पूजा का विवाह 4 साल पहले वैशाली कॉलोनी निवासी अवधेश से हुआ था। अवधेश की गढ़ रोड पर दुकान है। करीब 8 माह पूर्व अवधेश की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। आरोप है कि ससुर श्याम सिंह व देवर अनुज ने पूजा को घर से निकालकर दुकान पर कब्जा कर लिया। इसे लेकर ही भाजपा कार्यकर्ता आज मेडिकल थाने पहुंचे थे। यहां उनसे अभद्रता होने पर हंगामा हुआ। देखिए फरियादी के लिए बैठी गई आपको न्याय मांगने में नहीं आया। अच्छा अरे सुन लो आपके है कुर्सी, कप्तान साहब के तो है नहीं कुर्सी और बड़े अधिकारियों की तो है किसी की कुर्सी नहीं है भाई। दूसरा विषय आने वालों के लिए आगंतुकों के लिए कुर्सी होती है। आप समझ दूसरा रहे बार बार। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इनका व्यवहार आप ये कह रहे हैं माफिया मान रहे हो, तुम माफिया हो, दयाशंकर सिंह मान रहे हो, बता रहे हैं माफिया बता रहे हैं दयाशंकर सिंह माफिया है क्या? माने दयाशंकर प्रजातंत्र मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रजातंत्र मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रजातंत्र हाय 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 मौके पर मौजूद भाजपा नेता कुलदीप ने यह जानकारी दी। एक लड़की है, लड़की का विषय था, उसके पति एक्सपायर हो गए थे, वो दुकान उसके उसके पत्नी के नाम आ गई पूजा के, उस दुकान को लेकर आए थे कि भाई साहब ऐसे बात है, गरीब है, इसके 2 बच्चे हैं, इसकी दुकान इसे दिलवा दी जाए, इसे न्याय दिलवा दिया जाए। यहाँ न्याय की जगह क्या हुआ, यहाँ बदतमीजी की फुल और पार्टी को छोड़ दिया गया। तो किसके द्वारा बदतमीजी की गई थी? यहाँ से 2-3 सिपाही हैं सिविल में, और सिविल में कपड़े पहन के बदतमीजी कर रहे थे क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि ये सिपाही हैं, और बहुत बदतमीजी करी, धक्का मुक्की बहुत ज्यादा की। क्या 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 किस चीज को मांग को लेकर आप लोग यहाँ धरने को बैठे हैं? हम इस चीज को लेकर बैठे हैं कम से कम उस सिपाही को यहाँ हमें बुलाया जाए, हमारे सामने पता तो लगा कि थाने का सिपाही है या आसपास का आम आदमी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।